क्वेश्चन 5 देखो बच्चों, कहता है एक कंडीशन अज्यूम कर लो जहां पे मास ऑफ सन को कह रहे हैं लोग 10 टाइम्स स्मॉलर। मतलब ये कह रहा है अपन को मास ऑफ सन, ओरिजिनल मास ऑफ सन के 10 टाइम्स कम कर लो, इसको डैश लगा लो, ठीक है, और यूनिवर्सल कांस्टेंट 10 टाइम्स ज्यादा कर लेते हैं। मतलब नया वाला जी हो जाएगा ओरिजिनल जी, 10 टाइम्स ज्यादा करना है तो ये हो जाएगा 10। फिर कहता है गलत स्टेटमेंट पहचानो, है ना, गलत स्टेटमेंट। तो कहता है जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, तो ऑप्शन ए के लिए छोटा वाला जी का फॉर्मूला होता है जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जब ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा ही होगा, मतलब ये स्टेटमेंट कौन सा आ रहा है बच्चों, रॉन्ग, पहले ही गलत हो गया अपना। सेकेंड देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल डिक्रीज, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, 2 पाई रूट के अंदर एल बाय जी लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है ये कि टाइम पीरियड 1/√ से जी पे जा रहा है। अब देखो ये आपने बढ़ाया यहाँ पे तो ये भी बढ़ने ही वाला है, अगर यहाँ ये बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। वॉकिंग ऑन ग्राउंड वुड बी मोर डिफिकल्ट, तो फिर से कॉपी कर रहे हैं फॉर्मूला जी इक्वल्स टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि आपने जी को बढ़ाया है तो ये वाला जी भी बढ़ जाएगा और आपको उतना ही ज्यादा डिफिकल्टी लगेगा, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है बच्चों, ठीक है। रेन ड्रॉप्स जल्दी आएंगे, हाँ ऑफ कोर्स, सीधी बात है ये तो, कि कोई भी बॉडी होगी उस पर ज्यादा एक्सेलरेशन पड़ रहा होगा, ऐसे मान लो एम हो जाएगा तो ये एम जी नया वाला ज्यादा पड़ रहा होगा, तो ये सारे आंसर सही हैं इसके, और केवल पहला वाला गलत है, इसलिए वही अपना आंसर हो जाएगा जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, जबकि ये चेंज होगा। और मैं यहां लिख देता हूं नया वाला जी हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, ठीक है, ऑप्शन 1 सही जा रहा है इसका, ओके।